मैं दिव्य नेत्रधारी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं अपने शक्तिशाली दिव्य नेत्र से शरीर के अंदर विराजमान सूक्ष्म गुप्त आत्मा को ही देखता हूं। हर आत्मा की विशेषता व गुण को ही देखता हूं। मैं अपने दिव्य नेत्र रूपी दिव्य दूरबीन द्वारा अब तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख रहा हूं। परम धाम दूर देश मुझे बेहद समीप और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अखंड ब्रह्म तत्व जहां दूर दूर तक सुनहरा लाल प्रकाशी प्रकाश बिखरा हुआ है। चारों ओर चैतन्य सितारों की झिलमिल छाई हुई है। मैं देख रहा हूं परम धाम में स्थित अपने अनादि सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप को। अलौकिक प्रकाश से भरपूर मैं लाइट का एक शक्तिशाली पुंज हूं। मैं ज्योतिर्मय आत्मा अखंड ज्योति तत्व में महाज्योति श्री पिता के साथ संपूर्ण अवस्था में स्थित हूं। अब मैं ज्योति स्वरूप आत्मा निराकारी धाम को छोड़ सृष्टि के आदिकाल में जा रहा हूं। नई दुनिया स्वर्ग की ओर। मैं सतो प्रधान प्रकृति द्वारा निर्मित देह में प्रवेश कर रहा हूं। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डबल ताजधारी
सजे सजाए देवी देवता स्वरूप में हूं। विश्व महाराजन हूं। अपने दिव्य नेत्र रूपी दिव्य टीवी में मैं देख रहा हूं सतयुग और त्रेता के अपने देव स्वरूप को। अपने 21 जन्मों की दिव्य फिल्म को। हर जन्म की आत्म कहानी को। मैं देख रहा हूं अपने ताज तख्त राज्य भाग्य को। अपनी राजधानी को। अपने राज्य के सुंदर नजारों को। स्वर्ग में रास खेलते देवताओं को। अब मध्यकाल में मैं द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। मैं मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में पूजित हो रहा हूं। मेरे सन्मुख भक्तों की लाइन लगी हुई है। सभी भक्त मेरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं सर्व भक्तों की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। सभी को पवित्रता सुख शांति प्रदान कर रहा हूं। सृष्टि का काल चक्र फिरता ही जा रहा है। मैं धीरे धीरे कलयुग के अंत के समीप आ रहा हूं। चारों ओर अत्याचार
पापाचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मनुष्य आत्माएं दुखी है, अशांत है। परमात्मा को पाने के लिए भटक रही है। अब स्वयं परमात्मा पिता शिव, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्थापन कर भटकते मनुष्यों को जीने की एक नई राह दिखा रहे हैं। प्यारे शिव पिता ने मुझे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाकर नया दिव्य जन्म दिया है। संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म पाकर मैं धन्य धन्य हो गया हूं। स्वयं परमात्मा द्वारा सच्ची गीता सुनकर मैं फिर से अपने उस दैवी स्वरूप को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। देखते ही देखते मुझ आत्मा की साकारी देह प्रकृति के तत्वों को त्याग आकारी रूप में बदल रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता बनता जा रहा हूं। लाइट का वस्त्रधारी, लाइट का ताजधारी, लाइट के ही मेरे सर्व श्रृंगार है। मेरे चहुओर पावरफुल लाइट का प्रभा मंडल बन रहा है। मेरे सिर पर सफेद प्रकाश का एक बहुत ही सुंदर चमकदार क्राउन है। ज्ञान और योग रूपी दोनों सफेद पंख कितने सुंदर दिख रहे हैं। मैं दिव्य फरिश्ता स्वरूप लिए
परमात्मा पिता का संदेश वाहक बन, आकाश मार्ग से समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूं। अब मैं अपने अंतिम कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को धारण कर आकाश तत्व से भी पार जाकर सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के साथ संपूर्ण संपन्न ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। ओम शांति।